इंडिपेंडेंट को मत वोट दो, जो वोट इंडिपेंडेंट में जाएगा वो वोट वेस्ट हो जाएगा। सो अगर इंडिपेंडेंट दिया तो डायरेक्ट बीजेपी के देने का सरक होता है, वो विल गेट द विक्ट्री विथ ह्यूज मार्जिन। माय गेस्ट लेक्चर्स के बारे में बात किया, एनपीएस ऑफिस के बात किया, सेवेंथ पे कमीशन के बारे में, लिबरल से सोचा तो 4000 से ज़्यादा नहीं है, माइनॉरिटी ग्रेजुएट्स ज़्यादा है मगर एनरोलमेंट कम है। दैट एम्प्लॉयज ग्रुप इज गोइंग टू सपोर्ट मी, मेरा पर्सनल वोट बैंक है, मेरा सभी एम्प्लॉयज मेरे ऊपर विश्वास रखते हैं। अनहेल्थी एटमॉस्फेयर इन द एजुकेशन फील्ड, एनपीएस को ओपीएस कन्वर्ट करके हर एम्प्लॉयज का रक्षण करेंगे। 40 साल से एक बार भी कांग्रेस नहीं जीता इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर बार बीजेपी। इस बार आई एम गोइंग टू ब्रेक दैट रिकॉर्ड, 100% वी विल गोइंग टू विन। पार्लियामेंट इलेक्शन के पीछे ही कर्नाटक में फिर एक मरतबा इलेक्शन का मौसम आ चुका है। इस वक्त जो है साउथ वेस्ट ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए इलेक्शन होने जा रहा है। इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी से सीनियर लीडर अयनूर मंजुनाथ को टिकट दिया गया है। वो मुसलसल पिछले कई दिनों से अपने हलके में अपनी पहचान बनाते हुए, हालांकि वो पहचाने जाते हैं, साथ ही साथ वो वोटिंग कैंपेन के लिए निकले हुए हैं। इस वक्त उनसे हम खुसूसी बात करने के लिए पहुंचे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका असल कॉम्पिटिटर कौन है और किस तरह से वो इलेक्शन के लिए तैयारियां कर रहे हैं। सबसे पहले आप बताएं कि इलेक्शन में इस बार कॉम्पिटिटर आपका कौन है और किस तरह से आप इलेक्शन की प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरह से कैंपेन आपका चल रहा है? मैदान में तो कांग्रेस बीजेपी है, इसके बीच में दो रेबल्स है, बीजेपी में एक रेबल है, कांग्रेस में एक रेबल, और 6 आदमी इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का बहुत इम्प्रेशन करने वाला ज़्यादा नहीं है, फाइटिंग तो बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस का होगा, बिकॉज दोनों नेशनल पार्टी है, उसका कार्यकर्ता का बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए फाइट बिटवीन बीजेपी वो कांग्रेस हो सकता है। अभी ये बताया जा रहा है कि बीजेपी, अब आप चूंकि बीजेपी से आए हैं तो आपका वोट बैंक कट होगा और आपके जो फॉलोअर्स हैं वो कट हुए हैं और कांग्रेस में उतना इनपुट नहीं है आपको वोट्स का, तो ये कहां तक सही है सर? इसमें सही बात नहीं है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इज लेबर है, मेरा पर्सनल वोट बैंक है मेरा। मैं पिछले 40 साल से इन नौकर वर्ग और मजदूरों के बीच में काम कर रहा हूँ। मैं पिछले 5 साल में विधान परिषद में हर डिपार्टमेंट के नौकर के बारे में बात किया, मैंने लड़त किया है। बीजेपी सरकार था, मैं बीजेपी का विधायक था, मैंने फिर भी जब प्रॉब्लम हो रहा है नौकर वर्ग में, उसके बारे में मैंने बहुत आवाज़ उठाया सदन में, गवर्नमेंट के सामने खड़ा करके संघर्ष किया, मैंने सफल भी हुआ मैंने, इसलिए मेरा ऊपर जो एम्प्लॉयज़ है ना, हर डिपार्टमेंट का सभी एम्प्लॉयज़ मेरे ऊपर विश्वास रखते हैं। उसको पता है एनपीएस ओपीएस का इश्यू है, मैंने पहले ही आवाज़ उठाया, मैंने हर स्ट्राइक में, हर मुश्किल में, हड़ताल में मैंने उसका साथ दिया, मैंने इतना जोश और जोर से वो एनपीएस को ओपीएस कन्वर्ट करने में पूरी कोशिश किया मैंने, इसलिए मेरे ऊपर बहुत विश्वास है सर। इतना जोर लगाया, हर पार्टी आंख खोल के देखना पड़ा, कांग्रेस इसका मैनिफेस्टो में वन ऑफ द सब्जेक्ट बनाया, हमने ओपीएस को एनपीएस को ओपीएस कन्वर्ट करके हर एम्प्लॉयज का रक्षण करेंगे, हम वो बदलाएंगे, ऐसा आश्वासन कांग्रेस पार्टी ने दिया है, इसलिए हर एम्प्लॉयज को कांग्रेस के ऊपर विश्वास भी है और मेरे ऊपर भी।
सो ये माहौल क्या है ना, ये इन फेयर ऑफ कांग्रेस एंड मेरा बारे में है वो। सो दूसरे के पास इतना मटेरियल नहीं है। मैं गेस्ट लेक्चर्स के बारे में बात किया, एनपीएस ऑफिस के बात किया, सेवेंथ पे कमीशन के बारे में, हर डिपार्टमेंट के टीचर्स का, हर स्टेज में मैंने उसका साथ दिया है। वो मुझे मानता है, वो ये हमारा नेता है, मजदूरों के लिए नौकरों के बारे में बहुत सोचता है, ऐसा गुड ओपिनियन मेरे बारे में है। कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 80,000 तक, 80,000, मोर देन 80,000 एनरोल्ड वोटर्स है। इसमें 40% तक ऑलमोस्ट एम्प्लॉयज आर द वोटर्स। दैट एम्प्लॉयज ग्रुप इज गोइंग टू सपोर्ट मी बिकॉज नन कैन कंपेयर विथ मी। जो बीजेपी का कैंडिडेट है उसका बैक हिस्ट्री एम्प्लॉय के बारे में नहीं, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। वो उन्होंने हॉस्पिटल हेल्थ डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा इंडस्ट्री बनाया उन्होंने, वहाँ वो इंडस्ट्री मेडिकल फील्ड में बनाया, फिर मजदूरों के बारे में कुछ नहीं किया आज तक, कुछ नहीं बात किया उन्होंने। और इंडिपेंडेंट जो लोग हैं वो भी उतना है। सो इंडिपेंडेंट दो लोग हैं, एक कांग्रेस से एक बीजेपी से। बीजेपी का इंडिपेंडेंट जो कंटेस्ट किया है रेबेल, वो पहले विधायक था उडुपी से, उन्होंने कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर, सो हिजाब के बारे में बहुत शोर मचाया उन्होंने, इसलिए बहुत बड़ा इशू बन गया कर्नाटक स्टेट में, कोर्ट तक गया, जजमेंट आया। अनहेल्थी एटमॉस्फेयर इन द एजुकेशन फील्ड बिकॉज ऑफ दैट वॉइस। सो अदर देन दैट ही नेवर रेज्ड हिज वॉइस इन फेवर ऑफ एम्प्लॉयज एंड लेबरर्स। गरीबों के बारे में नहीं सोचा, गरीबों के बारे में नहीं बात की उन्होंने। यही सिचुएशन और एक इंडिपेंडेंट जो हमारा कांग्रेस के हैं उसके बारे में वैसे। सो दोनों लोग विधायक बनने चाहता है, फिर कुछ नहीं किया है इन्होंने। सो ये सभी देख के, ये उसका बैकग्राउंड देख के, हर एम्प्लॉयज इज गोइंग टू सपोर्ट मी। आई थिंक मैक्सिमम 90% ऑफ द वोट्स ऑफ एम्प्लॉयज I will take it. Other than employees, there are 50% unemployed graduates, self-employed graduates, agriculture employed. जो graduates है non-employees, उसके बारे में हमने कोशिश कर रहे हैं उसको टच करने का, वोट मांगने का कोशिश तो जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ता हर कॉन्स्टिट्यूंसी में खुशी से उम्मीद से काम शुरू किया है, लगभग हमको वो ज़्यादा वोट मिलेगा, मिले इस इलेक्शन में हम जीतेंगे। सर कुछ माइनॉरिटीज कह रहे हैं कि हमने असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस को सपोर्ट किया है, अब एमएलसी इलेक्शन है तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका क्या रिएक्शन रहेगा सर? नहीं नहीं ये तो सही नहीं है, क्योंकि ये सारे 5 डिस्ट्रिक्ट में, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कोडगु डिस्ट्रिक्ट आता है, चिकमगलोर जिला है एंड शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, उडुपी, मैंगलोर एंड दावणगेरे जिला का तीन तालुका, होन्नाली, चन्नगिरी एंड न्यामती। सो इसमें एनरोलमेंट कम हुआ है, बहुत सारे लोग एजुकेटेड मुस्लिम लोग ग्रेजुएट्स हैं, फिर भी अवेयरनेस कम है, मैं समझता हूँ अवेयरनेस कम है। सो MLA MP इलेक्शन में बहुत उम्मीद से उन्होंने पार्टिसिपेशन करता है, फिर ये इलेक्शन के बारे में थोड़ा जानकारी कम है, इसलिए एनरोलमेंट कम हुआ है। जो अदर जो बोल रहा है वो 10,000 है, 8,000 है, ये सच नहीं है। मेरा रिकॉर्ड पे 3,800 तक मैक्सिमम और थोड़ा लिबरल से सोचा तो 4,000 से ज़्यादा नहीं है। सो एनरोलमेंट नहीं हुआ है। ये 4,000 तक जो माइनॉरिटी वोट्स है, 90% दे आर इन फेवर ऑफ कांग्रेस ओनली, बिकॉज इन असेंबली में सो मेनी इश्यूज विल कम। माइनॉरिटी के बारे में आएगा, दूसरे इश्यूज में आएगा,
फॉर एग्जांपल मैंने प्रस्ताव किया ये हिजाब का, हिजाब का इशू आ गया तो असेंबली में पास हो सकता है वो, क्योंकि मेजॉरिटी है कांग्रेस का, अपर हाउस में नहीं है। अपर हाउस में और 6-5 सीट तक कांग्रेस का कम पड़ता है। अगर हम जीत गए तो 4 आदमी कंटेस्ट किया है दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, चारों जीत गए तो 2 वोट ज़्यादा होता है। अगर नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, पास असेंबली में पास होता है बिल, एक काउंसिल में हार जाता है। सो पर्पस ऑफ द बिल प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटी क्लास, प्रोटेक्शन ऑफ पुअर क्लास विल बी गेट डिफीटेड। इसलिए इतना जरूरी है कौन सी दिस इलेक्शन में कांग्रेस कैंडिडेट जीतने का 100% नेसेसिटी है। अगर नहीं हुआ तो मेजॉरिटी जो है असेंबली में उसका फायदा हम नहीं उठा सकते। रॉन्ग कॉन्सेप्ट में कुछ लोग कह रहे हैं ज़्यादा माइनॉरिटी वोट है, माइनॉरिटी ग्रेजुएट ज़्यादा है मगर एनरोलमेंट कम है, इसलिए उसमें भी 90% तक में जो कहा वैसे ही 90% तक दे आर इन फेयर ऑफ कांग्रेस ओनली नॉट विथ एनीबडी, दे आर हैविंग ए कॉन्फिडेंस विद द कांग्रेस, विदाउट कांग्रेस दे कैनॉट प्रोटेक्ट देम सेल्फ, सो इसलिए दे आर गोइंग टू सपोर्ट कांग्रेस ओनली। कर्नाटक स्टेट के सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज जो है दो तीन साल से ज़्यादा हुआ है, कम्युनल टेंशन, कम्युनल स्पीचेस, कम्युनल इश्यूज, समटाइम्स नेसेसरली समटाइम अननेसेसरली, सो ये सिचुएशन हारमोनी बिगाड़ सकते हैं। ये बदलने के लिए कांग्रेस सत्ता में रहने का 100% नेसेसिटी है। सो अगर ये इलेक्शन में ये इंडिपेंडेंट जो आते हैं ना, ये नहीं जीत सकते, अगर उसको वोट दिया तो वेस्ट हो जाएगा। इस सिलेक्शन में प्रेफरेंशियल वोट सिस्टम है, हर वोट वेरी वैल्यूएबल देन एमएलए एंड एमपी इलेक्शन। सो जो वोट इंडिपेंडेंट जाएगा वो वोट वेस्ट हो जाएगा। सो जो इस कर्नाटक स्टेट के हेल्थी कंपटीशन, हेल्थी एटमॉस्फेयर चाहते हैं वो लोग 100% दे शुड गिव वोट इन फेवर ऑफ कांग्रेस ओनली नॉट विद द इंडिपेंडेंट। सो अगर इंडिपेंडेंट दिया तो डायरेक्ट बीजेपी के देने का सरक होता है, वो डिफरेंस कुछ नहीं होता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट जो वोट लेगा वो कांग्रेस का होगा। वो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ सबसे हाथ जोड़ के, इंडिपेंडेंट को मत वोट दो, इनडायरेक्ट सपोर्ट मत करो, आपका चॉइस है, इट्स ए डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिपेंडेंट जो लेगा वोट वो उसको मदद करेगा बीजेपी को, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर वोट बहुत कीमती है, प्लीज़ कांग्रेस को वोट करो। सर इसमें यूजुअली मार्जिन कितना हो सकता है सर आपका विनिंग का, और क्या मार्जिन नेक टू नेक है या फिर बहुत ज़्यादा गैप में आप जीत हासिल कर सकते? मैंने तो आज तक मैं सारे कॉन्स्टिट्यूंस में घूम के आ रहा हूँ, मैं एटमॉस्फेयर इन फेयर ऑफ कांग्रेस ओनली, आई एम मोस्ट कॉन्फिडेंट वी विल गेट द विक्ट्री विथ ह्यूज मार्जिन 100% वी विल गोइंग टू विन। टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी में मंजुनाथ डॉक्टर के के मंजुनाथ टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी में, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में आइंदर मंजुनाथ, हम दोनों जीतेंगे इधर। ये रिकॉर्ड करना है, ये इलेक्शन पिछले 40 साल से एक बार भी कांग्रेस नहीं जीता इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर बार बीजेपी। इस बार आई एम गोइंग टू ब्रेक दैट रिकॉर्ड, फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू विन इन द नेम ऑफ कांग्रेस ओनली हियर। इसलिए मैं जो कांग्रेस चाहते हैं, कांग्रेस को मानते हैं वो सभी लोग वोटर्स कांग्रेस के फेवर में वोट करना मांगता हूँ, उसका रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ हेल्प द कांग्रेस टू मेंटेन द हार्मोनी एंड रिलीजियस का एटमॉस्फेयर, गुड रिलेशनशिप बिटवीन ऑल कम्युनिटीज एंड सोशल एटमॉस्फेयर
एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, इसलिए कांग्रेस को वोट करें, कांग्रेस को जिताने के रिक्वेस्ट करता हूं मैं। ये थे एमएलसी कैंडिडेट अनुरूप मंजुनाथ साहब, जिन्होंने बताया कि ये एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को आप अगर वोट देते हैं तो सीधा बीजेपी के खाते में जाएगा, इससे बेहतर है कि आप लोग कांग्रेस को वोट देकर कामयाब बनाएं, की अपील रही है। कैमरा पर्सन इरशाद के साथ मुदस्सिर अहमद, इनकलाब न्यूज़, शिमोगा।